दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये अनमोल का इलेक्ट्रिक चॉपर है इसको रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों इसका मॉडल नंबर यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या दिक्कत है। तो यहाँ से पावर लगा के या स्विच ऑन करते हैं दोस्तों, तो ये रनिंग नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम और यही दिक्कत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इसी को ठीक करके दिखाएंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो यहाँ पर चार स्क्रूप होता है, तो चार स्क्रूप को हम यहाँ पर बारी बारी खोलते हैं। तो इसे खोलेंगे तो यहाँ आपका जो अंदर मोटर है, यहाँ से जो प्लेट उठाएंगे ऊपर वाला मोटर यहाँ अलग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो मोटर है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं तो मोटर में क्या दिक्कत है। मोटर में तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसका कार्बन वगैरह और कॉयल वगैरह सब ठीक है, आर्मेचर भी ठीक है दोस्तों, ये सब ओके है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। यहाँ पर जो स्विच है, स्विच का जो प्लेट है दोस्तों, इस पर दो स्क्रूप है, यहाँ से खोल के और स्विच वाला जो प्लेट है इसको यहाँ से ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठा के इसमें देखते हैं स्विच में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्विच का पत्ती है दोस्तों, यहाँ पे कार्बन आ गया है दोस्तों, यहाँ पर काला हो गया है, यही पत्ती चिपकती है दोस्तों, वर्कर करती है, और इसमें पत्ती नहीं है दोस्तों, जो एक नीचे पत्ती होती है, यहाँ पर ऊपर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन और नीचे वाले पर पत्ती ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पत्ती जो होती है चिपकती है, गिर गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका वायर टेस्ट कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, जो मेन लीड है, मेन पावर आता है, तो यहाँ इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर वायर लगाएंगे और एक ये कार्बन वाले पर लगाएंगे, तो हमारा ये एक वायर ओके है, दूसरा वाला ये जो पत्ती पर आया है वायर इसको लगाएंगे, ये भी ओके है दोस्तों, मेन पावर का जो लीड है ओके है। मेन प्रॉब्लम दोस्तों ये स्विच का है, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो कार्बन है यहाँ का साफ़ कर लीजिएगा, यहाँ पे कार्बन हो जाता है, वो जो पत्ती चिपकती है तो चिंगारी आती है तो कार्बन आ जाता है, तो इसको यहाँ से हम साफ़ करके आपको दिखाते हैं। तो आप इसको पेपर से साफ़ कर लीजिए, हम इसको पत्थर से इसको यहाँ से इसका जो कार्बन है छुड़ा लेते हैं, इस तरह से आराम से आप इसे छुड़ा लीजिएगा और इस पत्ती को यहाँ दबा दीजिएगा। दूसरी साइड ये जो पत्ती गिर गई है दोस्तों, तो हम यहाँ पर जुगाड़ लगा के इसको ठीक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर पत्ती है, ये जो पत्ती है, और इस साइड यहाँ पे नीचे साइड में पत्ती नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर शोल्डर से मदद से इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पर शोल्डर की मदद से दोस्तों यहाँ पर गोल रंगा लगा के इसका पॉइंट बना देंगे, ताकि जो ऊपर की पत्ती है दोस्तों चिपके, इस रंगा पर चिपके और ये वर्क करे, तो इस तरह से गोल बना दीजिएगा, और जब ऊपर वाली पत्ती रंगे पर चिपकेगी तो ये रनिंग करेगा। तो इस तरह से बना लीजिएगा, ओके। यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेन पावर है यहाँ पर सीरीज पर लगाएंगे और यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे इसको ड्राइवर से, यहाँ पर ये रनिंग करने लगा दोस्तों, ओके। दूसरी साइड वाला ओके, रनिंग वो करने लगा दोस्तों, ओके हो गया। अब इसको यहाँ पे जो स्विच का बोर्ड है, यहाँ पर अंदर दो स्क्रू लगा था, इसको टाइट कर लेंगे और टाइट करके ऊपर की मोटर जो है दोस्तों इसको यहाँ पे बैठाएंगे और बैठा के इसको फिर मेन पावर में आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको बराबर लगा देंगे और लगा के दोस्तों यहाँ पर पहले सीरीज पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर सीरीज वाला जो पावर है हमारा यहाँ पर लगाते हैं, हाँ बिल्कुल ओके, रनिंग करने लगा दोस्तों, ओके, मस्त चल रहा है दोस्तों। अब इसको यहाँ पर दोस्तों हम मेन पावर पर दिखाएंगे, तो मेन पावर पर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और अच्छा रनिंग करेगा। तो यहाँ पर मेन पावर पर कनेक्ट किए और देख रहे हैं दोस्तों इसकी स्पीड बिल्कुल ओके, दोनों स्विच वर्क करने लगी दोस्तों, वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो इस तरह से अपने ख़राब चॉपर को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिएगा।